ऐसा रोका। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। जगदलपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के बस्तर प्रवास को लेकर प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने बस्तर मुख्यालय जगदलपुर में बैठक की। इस बैठक में बस्तर संभाग के सभी विधायकगण, महापौर, नगर पंचायत के अध्यक्षगण के अलावा बड़ी संख्या में बस्तर के कांग्रेसी पदाधिकारीगण और कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि जगदलपुर में राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का दौरा है, जिसको लेकर पार्टी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पार्टी कार्यकर्ता जो भी वहां पर उत्तराधिकारी है उसको लेकर तैयारियां और चर्चा की गई है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का दौरा है, जिसको लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता वरुण जुड़ेंगे। वरुण, प्रियंका गांधी का दौरा है, देखिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इसको लेकर। जी मैम, इसमें सारे वरिष्ठ कांग्रेसी जुड़े और उन्होंने बैठक ली। कवासी लखमा मुख्य तौर पे थे और रेखियन जी जैन भी थे, जो विधायक हैं जगदलपुर क्षेत्र से। 13 तारीख को प्रियंका गांधी जी का आना हो रहा है, तो उस विषय में पूरा छाया चित्र बनाया जा रहा है कि किस तरह से सारे कुछ धन्यवाद आपका वरुण। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों की स्थापना को लेकर जैन मुनि बस्तर पहुंचे और जैन मुनियों ने बताया कि नशा और हिंसा जीवन को अशांत करता है। साथ ही पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कहा कि विश्व में जैन मुनि के सिद्धांतों का पालन विश्व में शांति और सद्भावना के लिए आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा महावीर के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों से ही संपूर्ण विश्व में और हमारे हृदय में शांति की स्थापना हो सकती है। परमात्मा महावीर का जो मूल सिद्धांत है वो है अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत। ये तीनों सिद्धांत अपने आप में इतने महत्वपूर्ण हैं कि जो भी व्यक्ति इन तीनों सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में परम शांति और परम आनंद का वातावरण छा जाता है। तो इन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए ही हम लोग गांव से गांव पद विहार करते हैं और पैदल चलते हैं, क्योंकि अहिंसा जरूरी है। हिंसा निश्चित रूप से हमारे जीवन को अशांत करती है, सभी जीवों को जीने का अधिकार है। उनका यहाँ पर हमारे समाज में कार्यक्रम है, परसों शाम को ये तक्षशिला पार्क पहुँचेंगे, परसों नगर पे प्रवेश है। नगर प्रवेश के साथ साथ प्रवचन का कार्यक्रम, लोगों से मिलना, धर्म की चर्चा करना, जन संस्कार जो है वो करना, और अभी जबकि इन्होंने तीन चीज़ें अपनी विशेषता बताई कि जो महावीर के सिद्धांत हैं। जगदलपुर में मां भंडारिन माता मेले में संसदीय सचिव रेश चंद जैन शामिल हुए, जहां पारंपरिक ढोल मांदर की थाप के साथ ग्रामीणों ने विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेश चंद जैन का स्वागत किया और विधि विधान से पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ एवं बस्तर की सुख शांति समृद्धि की कामना की। इस मौके पर विधायक रेश चंद जैन ने कहा कि मेला मंडई हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। जगदलपुर में विधायक रेखचंद जैन ने 17 दिव्यांगों को सहायक उपकरण बांटे हैं। बता दें कि जिन छात्र छात्राओं को सहायक उपकरणों का वितरण किया गया, इस अवसर पर उपस्थित बच्चों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि एक अंक के काम नहीं करने के बाद भी ऊपर वाले ने उन्हें ऐसी खासियत दी है कि वे अपने मस्तिष्क से हर कार्य को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने बच्चे को प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स का उदाहरण देते हुए कहा कि शारीरिक
क्षमता के बावजूद उन्होंने अपने मस्तिष्क के दम पर ब्रह्मांड की बहुत सी गुत्थी सुलझा दी। जगदलपुर में पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत थाना बोधघाट में चल रहे सट्टे पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बता दें कि न्यायिक रिमांड पर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। महासमुंद में कोतवाली थाना क्षेत्र के एनएच 353 सराडी मोड़ पर परफेक्ट हर्बल एंड ऑयल कंपनी के मैनेजर से 10,80,000 रुपए की लूट कर ली गई। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और लूट की रकम भी जब्त कर ली गई है। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों से एक औपचारिक बालक, एक महिला भी शामिल है, जहाँ 4 आरोपी महासमुंद के हैं तो एक महिला जो है बिलासपुर की रहने वाली है। अज्ञात जो बाइक थे सवार, उनके द्वारा उसे गिराया गया और उसके बैग को लूट कर ले गए। उसकी शिकायत पर तत्काल जो हमारी कोतवाली टीम है, साइबर टीम है, एसडीओपी मंजुलता मैम के नेतृत्व में ये लोग लगातार पतासाजी में जुट गए थे और इस प्रकरण में तस्दीक करते हुए पहले थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया और बिरकोनी से लेकर घटनास्थल तक और आसपास के जितने भी जो क्षेत्र हैं सभी में लगातार हमारी टीम के द्वारा तकनीकी जो जानकारी है, साक्ष्य है, सीसीटीवी फुटेज है या मुखबिर तंत्र है, सभी में लगातार पतासाजी पूछताछ की गई। इस जानकारी में फिर हमें जानकारी मिली कि बिरकोनी क्षेत्र के आसपास जो है जांजगीर में रेप के मामले में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पुलिस ने गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा कर दिया। बता दें कि प्रकाश चंदेल को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। आरोपी ने हाई कोर्ट में अंतरिम बेल के लिए आवेदन किया था। बता दें कि 2 दिन पहले ही कोर्ट से पलाश चंदेल को अंतरिम जमानत मिली थी और SC/ST एक्ट के आरोपी पलाश चंदेल की दिनांक 6 अप्रैल को रात्रि में गिरफ्तारी की गई है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अंतरिम जमानत के शर्तों के अनुरूप 25,000 रुपये के बंद पत्र और सिक्योरिटी पर रिहा किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी मामले के विवेचक उप पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर वर्मा के द्वारा की गई है और आरोपी के पास से एक मोबाइल की भी जब्ती हुई है। अभी के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।